हेलो एवरीवन, वी आर हियर टुडे एट द आरिया एक्सपो. टुडे वी हैव विद अस मिस्टर फैज अशरफ, मैनेजिंग डायरेक्टर सोलारिटिव. हेलो सर, हाउ आर यू? हाय। हाय. सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, आपकी बिजनेस जर्नी कैसे शुरू हुई सोलर इंडस्ट्री? एक्चुअली इसे हम फैमिली बिजनेस बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। तब मैं 14 बीटेक पास आउट हुआ था, तब मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी थी फादर की। उस टाइम मेरे बड़े भाई और फादर थे, तब कंपनी का टर्नओवर लाख में था, 1 करोड़ भी नहीं था। हमने विद इन 10 ईयर्स इसको 181 CR पे क्लोज किया, ठीक है। और शुरुआत करी, शुरू में हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगे, तब से आज तक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में हूँ। और इवन जब मैं पहले OEMs कराता था, तो 2020 में मैं मैन्युफैक्चरर बना। उसके पीछे रीज़न ये रहा कि जिससे मैं OEMs कराता था, उन्होंने सर्विस की जो कमिटमेंट थी वो फुलफिल नहीं करी, तो जिसकी वजह से हमें जो है, मैं एक्चुअली सर्च करने निकला था कि भाई कोई मुझे बता दे कि इसे बनाना कैसे है, करना कैसे है। बट तमाम नए मैन्युफैक्चर फ्रॉम 2020। सो सर, आप अपने प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताना चाहेंगे, आप क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर हम लोग मेनली सोलर वाटर पंप्स में हैं और सबमर्सिबल्स एंड मोनोब्लॉक्स में हैं, और 1 to 25 HP हम सबमर्सिबल्स में है, AC एंड DC बोथ। और मोनोब्लॉक्स में 1 to 10 HP हमारा है, एज पर MNRE गाइडलाइन, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो सारी फुलफिल करते हैं। सो सर, इस साल आप REI में क्या क्या शोकेस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स? REI में हमने जो भी प्रोडक्ट्स, हमारे जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे शोकेस्ड हैं। और हम रेगुलर R&D चल रही है हमारी, कि कैसे हम एफिशिएंसी को एनहेंस करें, और वही सब सारी चीज़ें हम जो है वो शो कर रहे हैं। सर, एनी पार्टनरशिप्स या इनोवेशन जो पाइपलाइन में हो अभी? हाँ, कुछ पार्टनरशिप्स हैं जिसे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ओके ठीक है, विद इन 1 or 2 month आई विल। ओके सो अभी तक का रिस्पांस कैसा रहा REI में आपका? REI का रिस्पांस अच्छा है, लास्ट ईयर से इस बार अच्छी फुटफॉल है, लोग काफ़ी हैं और इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रख रहे हैं सोलर इंडस्ट्री में। ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी काफ़ी एग्रेसिवली वर्क कर रही है, तो अच्छा रिस्पॉन्स। एंड सर, अभी जैसे पीएम कुसुम स्कीम है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके थॉट्स? पीएम कुसुम स्कीम एक बहुत बड़ी स्कीम है, और इसमें जो माइलस्टोन है वो कहीं ना कहीं 1 CR पंप्स का होगा, जो अभी MNRE कह रही है 14 लाख पंप्स है, ठीक है, जो अभी उनका एक माइलस्टोन है, जिसमें इन्होंने सिर्फ 6 to 7 लाख पंप्स ही करा है। और इसके डेटा की अगर बात करो, सिर्फ अगर मैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र को पकड़ लूँ, तो वहाँ 23 to 24 लाख फार्मर्स हैं ऑन डेटा। तो अगर उनकी ही बात करें, ये बहुत बड़े, इसकी 50 लाख प्लस पंप जाएंगे इसमें, और काम अभी काफ़ी है। एंड सर, कुछ कहना चाहेंगे आप कंज्यूमर से, ये सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करें? सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहिए, और इवन करे, देखिए, अगर कार्बन इमिशन को नहीं ख़त्म करेंगे, तो अभी जैसा प्रोजेक्शन चल रहा है, विद इन 10 ईयर्स 50 सिटीज़ ऐसी हैं जिसका टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस, जी, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सोलर एनर्जी एंड विंड को छोड़ दो, और विंड थोड़ा क्रिटिकल है, हर जगह पॉसिबिलिटीज नहीं है उसकी, तो सोलर तो हमें करना ही पड़ेगा, और तो ऑप्शन नहीं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।